कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में नए खतरे ने दस्तक दी है। यहां एक 33 साल के युवक में दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का शहर में पहला मामला है। संक्रमित को लोकनायक अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पूरे देश में नए स्ट्रेन के कम से कम 4 मामले पहले से मौजूद हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट का ये पहला मरीज है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों की बात की जाए तो यहां थोड़ी राहत भरी खबर है। 4 दिन बाद राज्य में कोरोना के रोजाना आंकड़े 400 से नीचे आए। हालांकि यहां सक्रिय मामलों की संख्या 2300 के पार है। ये संख्या इस 19 जनवरी को राज्य में 2334 सक्रिय मामले थे। राज्य में होम आइसोलेशन में 1345 मरीज हैं। ये संख्या 14 जनवरी के बाद सबसे बड़ी है। 13 जनवरी को होम आइसोलेशन में 1345 मरीज थे। राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या 0.36% है। वहीं यहां संक्रमण दर 0.59% है, जबकि रिकवरी रेट 97.94% है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 3 मौतें हुई और 368 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में मौत का कुल आंकड़ा 10,944 हो गया, जबकि राज्य में कुल केस 6,44,064 हो गए हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।